मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम यू ऑल इन ग्रेट अप विद कॉमर्स विद गीता वर्मा. स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉमर्स एंड इन कॉमर्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बिजनेस स्टडीज क्लास 11. स्टूडेंट्स, क्लास 11 कॉमर्स और अकाउंटेंसी आर द फाउंडेशन ऑफ योर कॉमर्स बिकॉज यू आर स्टडिंग कॉमर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. And you people, if you want really to build up your career in commerce, so your class 11 syllabus plays a very, very vital role here. Fine? So, please pay attention to each and every topic very attentively, very thoroughly, which are being discussed in the lectures. So, regarding the commerce, we have already discussed the four parts of nature and purpose of commerce. And this will be our fifth part, in this part, we will be concluding this chapter. So, it's my humble request, after seeing this fifth part, just go through the first, second, third, fourth parts also. Because after completing this chapter, fifth part, the chapter will be finished. और फिर जब आप पूरी सीरीज को 1 से लेकर 5 को इकट्ठे देखेंगे, एक बार में देखेंगे या फिर सीक्वेंस में देखेंगे, तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ जाएगा. जो भी अगर डाउट्स होंगे तो वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो सीरीज बनाई गई है वो ब्रेकअप कर करके बनाई गई हो बेशक, बट वो एक सीक्वेंस में है. जब आप उस सीक्वेंस में, अगर हमने फर्स्ट सीरीज में या फर्स्ट पार्ट में हमने नेचर और पर्पस डिस्कस किया, मीनिंग या डेफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, तो बाद में उसी क्लासिफिकेशन को जाना है, उसको और डीप तक जाने की कोशिश की गई है. ठीक है, तो जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर से पूरे पांचों पार्ट को इकट्ठे एक बार में देखिएगा और बिल्कुल सीक्वेंस में देखिएगा, वन आफ्टर द अनदर, जिस तरह से वो पार्ट्स बने हुए, ताकि आपको कोई भी डाउट्स और क्लियर होंगे भी अगर, तो सारे क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजी. फाइन, सो रिगार्डिंग नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट, today we have to discuss about classification of commerce. That means how this commerce activities can be further classified. So, regarding this classification of commerce, we can classify it into two categories. It can be trade or it can be aids of commerce. Fine. Trade kya hota hai? Trade is sale and purchase of goods or services. Fine. Hum ट्रेड के बारे में हिस्ट्री से पढ़ती है. यू माइट हैव स्टडीड अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन आल्सो. उसमें भी जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था? ट्रेड करना. हम लोगों ने बहुत सारे उसके एंशियंट एक्सट्रैक्टिव हमको इसी सच्चाई की तरफ वाकिफ कराते हैं कि वहां के लोग सेल और परचेज में ज्यादा ध्यान देते थे और वही उनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था. लड़ाई झगड़े से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि हमें इस तरह के कोई भी साक्ष्य वहां से हासिल नहीं हुए. तो ट्रेड में होता क्या है कि एक पर्सन होता है, वन पर्सन इज देयर, वो कहीं से सामान लेके आता है और वो दूसरे पर्सन को सेल करता है. सपोज दिस पर्सन ए, ये कोई सामान लेके आए, इन्होंने इनको उस सामान को सेल कर दिया. ठीक है, अब इन्होंने इस उस सामान को इनसे क्या किया? परचेज कर लिया. इन रिटर्न इनको क्या मिला? मनी मिल गया. भाई इन्होंने इनको पैसे दे दिए और इनका क्या हुआ? मनी क्या हुआ? इंक्रीज हो गया. इनके पैसे घट गए लेकिन इनका स्टॉक बढ़ गया, इनका मनी बढ़ गया लेकिन इनका सेल का जो गुड्स था वो खड़ गया. ठीक है, एक्सचेंज किया है उन्होंने सामान. एक कोई सपोज कोई पेन ही लेके आए, पेन लेके आए वो किसी पर्सन से, इन्होंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वो पेन को सेल कर दिया. दैट मीन्स द ट्रेड इज सेलिंग वे बिटवीन द टू पर्सन. विलफुल है, कोई भी फोर्स, कोई भी फाउंडेशन नहीं है कि आप भाई हमारी कंपनी का पेन खरीदिए या फिर हमारी ही दुकान से पेन खरीदिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये पूरा विलफुल कंडीशन है कि वन पर्सन इज सेलिंग समथिंग एंड द अनदर पर्सन इज परचेजिंग समथिंग. अब
इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इट कैन बी इंटरनल ट्रेड और द एक्सटर्नल ट्रेड। अगर यह ट्रेड एक किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होती है, सपोज ये इंडिया है और ये ट्रेड ये लोग इंडिया में कर रहे हैं, तो ये क्या बोलेंगे हम, दिस इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। इसमें कोई भी एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जो भी काम हो रहा है वो इंडिया के लोग आपस में गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर कर रहे हैं, दैट इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। अब इसको भी हम दो कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो जाता है होलसेल। होलसेलर क्या करते हैं, वो सामान को बल्क क्वांटिटी में लेके आते हैं, ठीक है, ये लेके आए, इन्होंने अपने सामान को एक वेयरहाउस में रख दिया, ठीक है, और ये पूरा सामान इनका लोडेड है पैनों से, बहुत ज्यादा है। अब ये क्या करते हैं होलसेल में, अब ये मिस्टर है बी, ये मिस्टर है सी, ठीक है, दिस मिस्टर सी इज अ होलसेलर, ये क्या करते हैं सामान को बल्क क्वांटिटी में लेके आते हैं, ये इनके पास पेन का इनका कारोबार है, ये इनको देते हैं, इनको मिस्टर ए को, और मिस्टर ए क्या करते हैं डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं। अब ऐसे मिस्टर सी के पास बहुत सारे कस्टमर है, बी ए में ये एफ है, जी है, एच आई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे पैसा, इनसे सामान लेते हैं और अपने कस्टमर्स को आगे सेल करते रहते हैं सामानों को, पर तो ये क्या हुए, दीज पर्सन आर कॉल्ड रिटेलर, ठीक है, होलसेलर कौन हुआ मिस्टर सी, सी क्यों है क्योंकि ये होल में सामान लेके आए, बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में लेके आते हैं, इकट्ठे लेके आते हैं, गोडाउन का गोडाउन भरा होता है इनके पास, ट्रक के ट्रक वो लदवाते हैं सामान को, और अपने ग्राहक, इनके लिए ग्राहक कौन है दुकानदार, द रिटेलर, रिटेलर क्या करते हैं, जो हम लोग की आम सामने दुकानें होती हैं घर में, मोहल्ले में या कहीं भी दुकानें जो खुली होती हैं, वो क्या है रिटेलर की शॉप हुई, क्यों, क्योंकि हम उनके पास जा रहे हैं, उनसे सामान खरीद के आ रहे हैं और लेके आ रहे हैं, अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, हम होलसेलर के पास नहीं गए, होलसेलर से कौन डील कर रहा है, ये रिटेलर्स हैं जो वो होलसेलर से डील कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, सी जैसे पर्सन होलसेल में सामान को लेके आते हैं और रिटेलर जैसे कि ए बी एफ जी एच इन लोगों को वो बेच देते हैं, तो ये पर्सन जो सामान को होलसेलर से खरीदते हैं और डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को देते हैं, ये अपने सारे कस्टमर्स को सामान दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द रिटेलर, इनके पास एक ही गुड नहीं कि हमने भैया गुड का पेन ही रखे हैं, इनके पास स्टेशनरी की शॉप है तो इनके पास पेन, शार्पनर, कटर, इरेजर, कॉपी, नौजानी क्या क्या रखी होती है, और ये लोग क्या डील कर रहे हैं सिर्फ एक सामान, मिस्टर सी इज डीलिंग ओनली विद पेन एंड दीज फ्यू पर्सन्स आर परचेजिंग पेन फ्रॉम ओनली मिस्टर सी, देन सी इज द होलसेलर एंड द पर्सन हु आर एक्सटर्नली हु आर परचेजिंग इट फ्रॉम मिस्टर सी एंड सेलिंग इट टू देयर कस्टमर्स, ऑल दीज पर्सन्स आर द रिटेलर्स, राइट, and the trade which is taking place within the geographical boundaries of one country is known as domestic trade or the internal trade. Now we will be studying about external trade. Right? Now let's discuss about external trade. External trade, like from the name itself, it is resembled that the trade which is dealing externally. Right? Internal trade kya tha? जब हम अपनी कंट्री के अंदर अपने कंट्रीमैन के साथ कोई भी ट्रेड करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, देन इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। लेकिन कोई ट्रेड जो हम अपने कंट्रीज के अलावा दूसरी कंट्री के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, फाइन, उसको भी हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और इंटरपोर्ट, फाइन, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। एक्सपोर्ट क्या होता है, सपोज दिस इज इंडिया एक्स, ठीक है, ये हमारी कंट्री हुई इंडिया। अब हम इंडिया के अंदर हमारी कंट्री में वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, अब हमारे हमारा जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, श्रीलंका
के अंदर वीट का प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, इनको किसकी रिक्वायरमेंट है, दे ऑल्सो नीड टू हैव वीट। हमने क्या किया, इनके साथ वीट का एक्सचेंज कर दिया, वी हैव सेम वीट टू श्रीलंका, इन रिटर्न वी हैव गॉट मनी, हमें क्या मिल गया मनी। अब इस ट्रेड में जो सेल और परचेज हो रही है, हमने अपने सामान को बेच दिया, ठीक है, हमारा स्टॉक डिक्रीज हो गया, श्रीलंका के पास वीट की स्कैसिटी थी, इनके पास वीट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने हमसे सामान को परचेज कर लिया। व्हेन अ ट्रेड इज टेकिंग वीट बिटवीन टू कंट्रीज दैन इट इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड, फाइन। अब ये एक्सपोर्ट किसके लिए है, इंडिया के लिए क्या हुआ, ये हो गया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ वीट, क्या किया इन्होंने, अपने कंट्रीज के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, किस कंट्री को, श्रीलंका को, उनको वीट की रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने हमसे खरीद ली और हमने उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। हम जब सेल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स, हमने सेल किया तो उसके क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट किया, ये एडवांटेजेस क्यों है, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो हमको इन रिटर्न क्या मिलेगा, फॉरेन मनी, मनी मिलेगा हमको, तो हमारी कंपनी की जीडीपी में क्या आएगा, ग्रोथ आएगा, फाइन। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए एक्सपोर्ट क्या हुआ, अच्छा हुआ, इनके लिए क्या चल जाएगा, ये ट्रेड इनके लिए, इनकी मीन्स फॉर श्रीलंकन ऑल्सो दिस इज एन एक्सटर्नल ट्रेड बिकॉज दे आर डीलिंग विद इंडिया, दिस ट्रेड फॉर देम विल बी नोन एज इम्पोर्ट, इम्पोर्ट ऑफ वीट, फाइन। हमारे ये जो एक्सपोर्ट है उनके लिए इम्पोर्ट है, क्यों, उनकी बाउंड्रीज के अंदर इन हो गया वो सामान, है ना, इन हो गया ना, वीट अंदर आ गया उनकी बाउंड्री के लिए, बस ये समझने के लिए बता रहे हैं, देन इट इज नोन एज इम्पोर्ट ऑफ गुड वीट, और हमारी कंट्री के एक्सटर्नल चला गया, दूर चला गया वीट, बाहर चला गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, और इनकी कंट्री के लिए क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर, द सेम गुड, द सेम सेल एंड परचेज, फॉर वन कंट्री इट इज बिकमिंग इम्पोर्ट एंड फॉर द अदर कंट्री इट इज बिकमिंग एक्सपोर्ट, फाइन। अब हमें बहुत ज्यादा क्योंकि सुना भी होगा कि वी हैव टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट, इंक्रीज आवर दिस, हम लोग को फॉरेन, जब हम लोग की व्हेन वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस 1947 व्हाट हैपेंड, हम लोग की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही जर्जर अवस्था में थी उस टाइम, तो हमें को बहुत सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज थी, खाने पीने की ही चीज को लेने, ग्रेन्स को लेने, हमको फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था कि हम अपने कंट्री मैन को अच्छे ढंग से फीड तक नहीं करा पा रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या था, हम ज्यादातर एक्सपोर्ट की जगह इम्पोर्ट पर निर्भर थे, कि हम अनाज जैसे दालें हैं, गेहूं है, चावल है, प्याज है, इन सारी चीजों को इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता था। अब किसी भी कंट्री के लिए, अब हम इंडिया के इम्पोर्ट करना उतना अच्छा नहीं है जितना एक्सपोर्ट करना, फाइन। तो इंडिया क्या चाहेगी, अगर हम इम्पोर्ट की बात करें तो अगर हम कोई भी सामान जब कहीं किसी भी कंट्री से परचेज करते हैं, व्हेन वी परचेज समथिंग देन इट विल बिकम इम्पोर्ट, देन इट विल बिकम इम्पोर्ट, कि हम सामान खरीद के लाते हैं किसी भी कंट्री से, कोई भी एक्सपाइजर कंट्री है, देन इट विल बिकम इम्पोर्ट ऑफ गुड, और जब हम उससे गुड को या किसी भी गुड को सेल करते हैं, देन इट विल बिकम एक्सपोर्ट ऑफ गुड, फाइन। अब ये इंटरपोर्ट रेट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम कोई सामान खरीद के लाते हैं, जैसे हमने इम्पोर्ट किया से परचेज, सपोज हमने श्रीलंका से, जैसे श्रीलंका, श्रीलंका से हमने
टी है इम्पोर्ट किया, टी लीव्स किया, ठीक है, इम्पोर्ट किया हमने, इनसे परचेज कर लिया और उसको हमने अपनी कंट्री में लाके उसको प्रोसेस किया, रिफाइन किया, फाइन क्वालिटीज बना के अच्छी सी चाय पत्ती बना के यूएस में, चाइना में हमने सेल कर दिया, ठीक है। एक जगह का इम्पोर्ट, दूसरी जगह का एक्सपोर्ट, देन इट विल बिकम इंटरपोर्टेड, कि इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। इम्पोर्ट में एक कंट्री, दो कंट्री इन्वॉल्व है, जब हम इन्हें की बात करें तो एक्सपोर्ट जब हम सेल करते हैं तो वो सेल ऑफ गुड विल एक्सपोर्ट, परचेज ऑफ गुड विल इम्पोर्ट, परचेज ऑफ गुड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इज नोन एज इंटरपोर्टेड। I think so. It's clear. Now we will be discussing about aids to trade or aids to commerce or auxiliaries of trade. Fine. ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी कह सकते हैं restriction से, hindrance से, barriers से हमें बचाती हैं। हम लोग अभी chapters में ही हम लोग ने इसका discussion कहीं ना कहीं किसी ना किसी form में हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि ट्रेड में या फिर कॉमर्स में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कैसे, हम रहते एक पार्ट ऑफ कंट्री में है, ठीक है, हमारा सेल परचेज कई पार्ट ऑफ कंट्रीज में चलता रहता है, ठीक है। हम यहाँ पे यूपी में हैं और हम यहाँ से बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बंगाल, हर जगह अपने सामान को सेल कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स फैले हुए हैं, हमारे रिटेलर्स फैले हुए हैं, होलसेलर फैले हुए हैं, हाउ ऑल दीज थिंग इज सेलिंग पे, बिकॉज विद द मीन्स ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट वी आर एबल टू सेल आवर प्रोडक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फाइन, वी आर हैविंग अ प्रॉपर नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, हमें इनके साथ लिंकअप करने की जरूरत है कि नहीं है कि भाई हमारा सामान हम बेचेंगे या फिर क्या आप इस रेट पे हमसे में खरीदने के लिए राजी हैं कि नहीं, व्हाट आर योर थिंग्स, आर यू एग्रीइंग, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू वांट, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, सो मेनी थिंग्स आर बीइंग इन्वॉल्व। सो इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ओनली देन We are able to perform any sort of trade, ठीक है। हमने अभी पिछले ट्रेड में चिंता है पड़ा, चाहे वो एक्सटर्नल ट्रेड हो या इंटरनल ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड नहीं होता अगर उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं होता, उसमें कम्युनिकेशन नहीं होता, तो ऑल दीज थिंग आर बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग एंड फाइनेंस, हम काम स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने जो हमारे पास ऑलरेडी काम है, इफ वी वॉन्ट टू एक्सपैंड इट, वी नीड टू हैव बैंकिंग फैसिलिटी फॉर इट। बैंक में डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, नेट बैंकिंग इज देयर, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग आर पीपल आर डूइंग, हाउ दीज पीपल आर गोइंग टू टेक पे, फाइनेंस है, हमें चाहिए, हमें लोन लेना है, हम लोन के थ्रू अपने और बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, सो मेनी थिंग्स विच आर बीइंग डन विद विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर कम इनटू द दिस काइंड ऑफ बैरियर और ऑब्स्टिकल की भी पैसा नहीं, काम कैसे करेंगे, तो ये हमारा एड ऑफ ट्रेड है, ऑक्सिलरी ट्रेड है या कॉमर्स का है फंक्शन, कि हमें बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर देता है जिसके थ्रू बैंकिंग है, फाइनेंस है, जिसके थ्रू हमारे ये जो रुकावट है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम काम कैसे करें, वो दूर हो जाती है। इंश्योरेंस, यहां से हम सामान भेज रहे हैं, भाई रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व है, अगर रिस्क नहीं रहेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम किसी चीज का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बीमा करवा लेते हैं, तो रिस्क को हम मिनिमाइज नहीं कर पा रहे, उसको कवर तो कर ले रहे ना, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो, बट एक्सीडेंट हो गया, हमारे पास 5 लाख का नुकसान हो गया हमारे सामान का, लेकिन इफ यू हैव डन फॉर द इंश्योरेंस ऑफ इट, वी हैव गॉट द मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी और वो हमको 5 लाख का जो नुकसान था वो हमारा रिकवर कर दिया, अगर हमने नहीं करवाया होता तो हम लोगों को नुकसान भी करना पड़ता है। अगर ये सारी चीजें हैं जो इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस जो रिस्क है वो इंश्योरेंस के थ्रू कवर अप हो गया। वेयर हाउस, यहाँ सामान कहाँ रखेंगे, रखेंगे भी तो जैसे हमने पिछले भी डिस्कस किया था कि मैंगो तो सीजनल चीज है, ठीक है, लेकिन उस
उसका प्रोडक्शन जो माजा है और जितने भी आप सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, कैंडीज खाते हैं, आम पापड़ खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो ये तो प्रोडक्शन सालों साल चलता है। सीजन प्रोडक्ट रहता है मार्केट में एक ही, आता मार्केट एक ही भी सीजन में, लेकिन इसको रखने के लिए अच्छे अच्छे वेयर हाउस बना देते हैं जहां पर इसको एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि हम साल भर उस चीज का प्रोडक्शन कर सके, और प्रोडक्शन कर लेंगे तो हम अपना साल भर हम अपना सेल कर सके। तो ये जो रखने की टाइम की जो फाउंडेशन थी ना कि सीजनल प्रोडक्ट है या कूलर एसी हीटर ब्लोअर्स जो सीजनल प्रोडक्ट्स आते हैं और सेल होते हैं, तो हम किस वजह से करेंगे, जो टर्म की जो फाउंडेशन थी वो हमने हटा दी, वेयर हाउसेस के रिस्क को हमने कवर अप कर लिया इंश्योरेंस से, मनी की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली किससे, बैंकिंग और फाइनेंस से, ट्रांसपोर्ट से हमने क्या डिस्टेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि हमारे पास भी है डिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है हम लोग गाड़ी भिजवा देंगे सामान आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में नो हाउ लोगों को मिल जाता है, भैया आपका सामान हम जो खरीद रहे हैं वो कैसे है, किस तरह से उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, हमें प्रोडक्ट के बारे में हम एक कंपनी हम यूपी में बना के अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट हाउ वी वांट दैट इट शुड बी सेल्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सो हाउ इट इज पॉसिबल थ्रू द प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, हम न्यूज पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिए, मैगजीन में आते हैं, हमने नेट पे एडवर्टीजमेंट दे दिए, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, ठीक है, पैम्फलेट बनवा लिए, सो मेनी मींस कम्युनिकेशन आते हैं। तो हमने क्या एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने बहुत ज्यादा कस्टमर्स को वी हैव मेड देम अवेयर कि यस दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी हैव मेड, दिस इज दिस क्वालिटी, दिस इज आवर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ इट इज स्पेशल फ्रॉम सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट मेड बाय अदर कॉम्पिटिटर्स, सो पीपल आर ऑल्सो अवेयर ऑफ आवर प्रोडक्ट विच वी आर मेकिंग, सो द सेल ऑफ आवर प्रोडक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये नो हाउ या नॉलेज की प्रॉब्लम हमने एडवर्टाइजिंग से सॉल्व कर दी। तो ये सारी जो हेंड्रेंसेस होते हैं, बैरियर्स होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो रुकावटें आ सकती हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं अगर हम कॉमर्स का सहारा लेते हैं या फिर एड्स ऑफ कॉमर्स और जरिए ऑफ ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हुआ, बैंकिंग हुई, इंश्योरेंस हुआ, वेयर हाउस हुआ और एडवर्टाइजमेंट हुई, फाइन। ये सारी चीजें हैं जो उन्होंने अभी इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए भी इसको डिस्कस किया था, बट दिस आर द एड्स ऑफ ट्रेड दैट आई हैव taught you. Yes, now we will be discussing about the most difficult part of a business, that is risk. Okay, what do you mean by risk? Risk means uncertainty or the possibility that we have planned that we will be earning 5 lakhs of profit in a year, but due to some or the other reason we have earned only 2 lakh, fine. So this 3 lakh, it is our loss or the risk. So this always keeps on changing. Risk क्या है? एक possibility है, एक uncertainty है कि वो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है. जरूरी नहीं कि हमेशा risk हो ही, ठीक है. जरूरी नहीं कि हमारी company में आगे लग जाए, जरूरी नहीं है कि हमारी technology या फिर जो हम सामान बेच रहे हैं वो लोगों को पसंद आए, लेकिन ये risk हमेशा involved है. If we are performing a business, ऑलवेज रिस्क कर दे, रिस्क ये भी है कि हमारा जो सामान है वो लोगों को पसंद आए, रिस्क है. ये भी रिस्क है, बिजनेस का रिस्क है कि हमने का जो टारगेट किया था प्रॉफिट, हम उस टारगेट ऑफ प्रॉफिट को हम पहुंच नहीं पाए, ये रिस्क है, ठीक है. हमारे सामान हम एक जगह से जब दूसरी जगह सेल कर रहे थे, इन द मीन्स टाइम इन द डिस्टेंस इट हैज गॉट डैमेज्ड, स्पॉइल हो गया कुछ सामान, वो रिस्क है, ठीक है. तो किसी कारण जो हम लॉस बेयर करते हैं या फिर अपने सेट टारगेट तक जो हम पहुंच नहीं पाते, तो हम उसको बोलते हैं कि वो रिस्क है. एंड व्हाइल डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट इटसेल्फ वी हैव डिस्कस्ड कि इफ वी वांट टू सक्सीड फर्दर और इफ वी वांट टू डू समथिंग इन इट इन अ बिजनेस, वी शुड बी देयर, वी शुड बी कैपेबल इनफ टू टेक अ रिस्क. अगर हम रिस्क नहीं लेंगे देन वी वोंट बी एबल टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, वेदर इट इज अ स्मॉल बिजनेस और अ बिग बिजनेस. स्मॉल बिजनेस है, छोटे पैमाने पे आपको रिस्क उठाना पड़ेगा. बहुत बड़ा बिजनेस कर रखा है, लॉस भी होगा तो भी ज्यादा होगा, ठीक है. तो ये निर्भर करता है कि हम किस स्केल पर हैं. रिस्क का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही, अगर रिस्क नहीं है तो मतलब बिजनेस नहीं है. एक बार आपको रिस्क दो,
लेना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग। चलिए अब जानते हैं नेचर क्या है बिजनेस का, रिस्क का। रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। होता है क्यों है रिस्क? होता है इसलिए क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आज जो सामान बनाया जरूरी नहीं कि आज के आज वो हम सारा सामान सेल कर देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। अभी हमने लास्ट में भी पढ़ा कि जो हम सामान बना रहे हैं वो हम एक साल तक हम उसका प्रोडक्शन करते रहते हैं और वो हम सेल करेंगे। हो सकता है एक साल तक आगे आगे लोग उस सामान को पसंद ना करें। अनसर्टेनिटी है, कहीं हम सामान हम जो बना रहे हैं लोगों को पसंद ना आए। अनसर्टेनिटी है, हो सकता है वो सामान स्पॉइल हो जाए। ठीक है, तो हम हमेशा फ्यूचर में डील कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए ही तो, भविष्य के लिए तो हमने सामान बनाया है। इफ वी आर डीलिंग विद द फ्यूचर विच इज ऑलवेज अनसर्टेन, हाउ वी कैन से दैट वी आर सर्टेनली गोइंग टू अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इट इज ऑल्सो अनसर्टेन। दैट्स व्हाई इफ वी टॉक अबाउट रिस्क, इट इज ऑलवेज अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज बीइंग इन्वॉल्वड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। And when we are performing any kind of business activity, we are involving the future. हम सामान future के लिए बना रहे हैं, future customers के लिए बना रहे हैं, उनकी needs और requirement को fulfill करने के लिए बना रहे हैं। Then it is always uncertainty, it is always there. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। Certainty नहीं है, uncertainty है। हुआ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं। Essential part of every business. Why it is essential? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर हम सोचें, अगर हम चाहें कि हम काम करें और हमें बिजनेस में कोई रिस्क ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। इफ वी वॉन्ट टू डू समथिंग देन वी शुड बी देयर टू टेक अप रिस्क। अगर जब हम चलना ही सीखते हैं तो हम ना जाने कितनी बार गिरते हैं, संभलते हैं, डगमगाते हैं, घूमते हैं, लुढ़कते हैं और फिर हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। सेम वे अगर हम लोग छोटे बचपन में हम लोग ने साइकिल भी चलाना सीखते हैं तो ना जाने कितनी बार हमारे घुटने छिल जाते हैं, चोट लग जाती है, खून बहता है, फिर से हम लोग को जुनून चढ़ते नहीं साइकिल चलानी। कुछ भी चीज हम जब नहीं करना चाहते हैं फिर उसके बाद क्या, जरूरी नहीं कि हम जब एक दो बार ही गिरते हैं संभलते हैं उसके बाद हम अच्छे से कर लेते हैं। फिर वही चीज हम बिजनेस के साथ भी डेवलप करते हैं। व्हेन वी आर देयर इट इज एन एसेंशियल पार्ट। साइकिल चलानी है तो हो सकता है एक दो बार गिरेंगे, चोट लगेगी। उसी तरह से अगर हम बिजनेस से बात डील कर रहे हैं तो एक दो बार हो सकता है हमारा सामान लोगों को पसंद आए, एक बार हम गलती करते हैं उसे सीखते हैं, अच्छा ये चीज अच्छा हो सकता है हम उसे और बेहतर कर सकते थे, हो सकता है और बेहतर ढंग से पे कस्टमर्स को पेश करेंगे तो उनको पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। इफ वी आर डीलिंग विद बिजनेस वी आर रेडी टू बी टेकिंग रिस्क एंड इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। देन डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस लाइक वी हैव डिस्कस्ड इट। अगर हमारा छोटा बिजनेस है छोटा रिस्क होगा, अगर रिस्क हुआ नुकसान हुआ तो। बड़े पैमाने पे अपने बिजनेस बना रखा है, कंपनी की कंपनियां भी बढ़ानी पड़ रही, बंद करनी पड़ रही है तो बड़ा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमारा साइज पे निर्भर करता है कि हाउ मच वी आर डीलिंग अपॉन। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर डीलिंग अ रिस्क। जब हम रिस्क लेंगे तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। देयर इज नो गेन विदाउट अ पेन। अगर हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो हम प्रॉफिट तो हम सोच ही नहीं सकते। तो दैट मींस इफ वी वांट टू प्रोसीड फर्दर इन द लाइफ, वी वांट टू प्रोसीड फर्दर इन अ बिजनेस, वी शुड बी डेयर टू टेक अप रिस्क एंड प्रोसीड फर्दर। फाइन, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम आर द कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। आखिर बिजनेस में रिस्क अराइज क्यों होता है? नेचुरल कॉज मतलब जो नेचर की देन है। अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, आपका इस पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप सामान लेके जा रहे थे आपका, वहां पे अर्थक्वेक आ गया, ट्रक पलट गया, आपका नुकसान हो गया, आप कंट्रोल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। सामान लेके जा रहे थे, बहुत बर्फबारी हो गई या फिर आंधी आ गई, तूफान आ गया, बारिश के कारण आपका सारा रॉ मटेरियल जो है वहां तक पहुंच नहीं पाया, नुकसान किसका है? ठीक है, बाढ़ आ गई, आपकी मशीनरी पूरी खराब हो गई, जंग लग गया उसमें या फिर फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी है, नेचुरल कॉज है, कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में थोड़ा है। इसी थीम पे OMG जो ओ माय गॉड जो मूवी बनी थी इसी थीम पे, क्योंकि बाय द नेचुरल कॉज, तो मतलब नेचुरल कॉज तो नेचर ने दिया है,
भगवान ने दिया तो भगवान मेरा भरपाई करेंगे, उनका तो वही कह रहा था कि आप तो मुझे कंपनसेशन भगवान ही लाके देंगे। तो वो नेचुरल कॉज, वो इसी को कहा गया है कि आंधी तूफान, जो हम आंधी तूफान नहीं ला रहे थे वो लड़ा तो भगवान है, तो वो भगवान से कंपनसेशन मांगने चले जाते। लेकिन आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता, वो एक जनरल सी बात है जो उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की थी। ठीक है, ये तो भाई हो गई नेचुरल कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस आर दोस कॉजेस व्हिच इन विच द रिस्क अराइज ड्यू टू द ह्यूमननेस, ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर कैसे भाई, हम काम कर रहे हैं, आई एम इन बॉन्ड, आई एम एम्प्लॉयिंग द बिजनेस, आई एम नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आई एम सिटिंग एडल डूइंग चैटिंग ऑन माई मोबाइल फोन यूजिंग वाई फाई कनेक्शन ऑफ द company for my personal uses. In that time I should be working hard for the company but I am not doing it. या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही अपने हाइडन सीक्रेट जो होते हैं एजेंडा मीटिंग के, वो किसी के पर्सन को बता रखे थे, उन्होंने आपके कॉम्पिटिटर को जाके बता दिए, आपको टेंडर बनना था, आपका टेंडर रिलीज हो गया, तब हो गया, आप तो गए फिर। किसका कॉज है? ह्यूमन कॉज है। ठीक है, आपकी मशीनरी में बस एक फ्लोर से निकलता है सामान दूसरे फ्लोर तक जाता है, एक इंसान है वो फोन पे बात करने में लगे हुए महाशय, आपका एक जगह से धागा कटता है पूरी मशीनरी का सामान खराब है, किसकी नेग्लिजेंस? ह्यूमन कॉजेस। आपके एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन कॉजेस है। आपकी मैनेजमेंट स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज से यू आर नॉट एबल टू टेक इफेक्टिव वर्क आउट फ्रॉम देम, इट इज योर कॉजेस, अगेन ह्यूमन कॉजेस। ऐसी कॉजेस जो जिसके कारण डिस्क अराइज होता है और वो ह्यूमन किसी की डिसऑनेस्टी है, अकाउंटेंट आपका सही से चीजों को मैनेज नहीं कर रहा, अकाउंटेंट आपका पैसा गवर्न करके लेके भाग गया, उसके लिए भगवान थोड़े नहीं दोषी है, नेचुरल कॉज नहीं, इट्स अ ह्यूमन कॉज, और वो ह्यूमन कॉजेस के थ्रू ही वो चीजें सही हो पाएंगी। ठीक है, इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज है चेंज कर ली कभी कभी, जैसे 1991 में जब लिबरलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उससे पहले तो हमारे हाथ बहुत रिजर्व था, लेकिन गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है कि भाई चलो ये सब रिटर्न है, सब फॉरेन से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, हम अपने सामानों को बाहर भेज सकते हैं, ऑल्सो मेनी थिंग्स हैव गॉट चेंज्ड। सो व्हाट आर द दीज आर द इकोनॉमिक्स पॉलिसीज व्हिच आर मेड बाय द गवर्नमेंट इन व्हिच इफ समथिंग गॉट चेंजेस वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी हैव टू जस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट। लाइक लॉकडाउन इज देयर, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन सब कुछ है, लेकिन लॉकडाउन में उनका कोई जोर है नहीं है, जो गवर्नमेंट ने कहा है दे हैव टू फॉलो, सो इट इज एन इकोनॉमिक कॉज। हमको हमारे पास बहुत अच्छा एफिशिएंट स्टाफ है, वर्कर्स हैं, वी आर एबल टू सेल इट इन द ओपन मार्केट, वी आर हैविंग वेरी नाइस अमाउंट ऑफ मनी वी आर अर्निंग, बट ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वी आर नॉट एबल टू डू सो, फाइन, बिकॉज वी आर बाउंड बाय द गवर्नमेंट, फाइन। फिजिकल कॉजेस, जो हमारे सामान है वो ड्यू टू द सम और द अदर रीजन वो खराब हो जाता है, या कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ के बियॉन्ड है, जैसे हम कोई भी सामान बना रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का बना रहे थे, जब तक हम मार्केट में लाते हैं 4G 3G मोबाइल बना रहे थे, तब तक 4G भी आ गया, इससे भी एडवांस वर्जन है, आईफोन भी आ गया, भाई हम तो अपना सामान बना रहे हैं ना, उनकी गलती से थोड़ा नहीं, अभी धीरे धीरे अपडेटेड होती जा रही चीजें, पहले टाइपराइटर हुआ करता था, अब कंप्यूटर के आने से टाइपराइटर बेकार हो गया, टाइपराइटर की कोई गलती है नहीं है, पहले तो नोकिया का और बिल्कुल 1110 के मोबाइल बहुत ही दैट पर्सन इज हैविंग मोबाइल, बट नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग, न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग, द ओल्ड वन आर गोइंग अपडेटेड, सो दीज आर द फिजिकल कॉजेस थ्रू टू विच वी ऑल फियर द रिस्क, फाइन। सो सम ऑफ द रिस्क आर कंट्रोलेबल एंड सम आर beyond much control. Natural causes we cannot control, but human causes, yes we can. Government causes we can't. Physical causes up to some extent, if we are keep on our eyes, mind and ears open, that's what is going on in the market, what are the expectations on the general public, what does the general public demands, what are their needs and requirements, only those kind of products we will be manufacturing, then yes, physical causes up to some extent we can control it, fine. So these are the some of the causes through which one bears a risk. Now let's discuss about types of business risk that can be categorized into two parts. It can be either insurable or non-insurable risk. Insurable, jiska hum bima karwa sakte hain. Kaisa kara sakte hain?
हमने गुड्स खरीदे हैं, हम अपने गुड्स का बीमा करा सकते हैं, फायर इंश्योरेंस करा लिया अपने, हम सेल करते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड करते हैं तो हमने मैरिन इंश्योरेंस करा लिया, फायर इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, सो मेनी काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस आर देयर, और हमने उसका इंश्योरेंस ले लिया, बीमा ले लिया, कल को जाने अनजाने या फिर किसी भी कलामिटी के थ्रू अगर हमें लॉस होता है देन वी कैन इजिली गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनीज, फाइन, सो दैट इज जिसको हम बीमा करवा सकते हैं, दैट इज नोन एज इंश्योरेबल रिस्क. एंड देन कम्स अ नॉन इंश्योरेबल रिस्क. नॉन इंश्योरेबल रिस्क आर दोज रिस्क थ्रू वे इन विच वी कैन नॉट गेट द इंश्योरेंस पॉलिसी. हमें इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल सकती. किसमें नहीं मिल सकती है? ह्यूमन कॉजेस है. आपका कोई एम्प्लॉय, आपका सी आपका डिसऑनेस्ट हो जाता है, आपका मैनेजर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको डिस्क्लोज कर देता है, ठीक है, गलत काम में इन्वॉल्व हो जाता है, आपकी कंपनी के सीक्रेट डिस्क्लोज कर सकता है, आप उसको बीमा नहीं करवा सकते. That cannot be insured, fine. जिसको हम इंश्योर नहीं करा सकते वो आ जाते हैं हमारे नॉन इंश्योरेबल में, ठीक है. जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अगर अपडेटेड हो गई है वी कैन नॉट गेट इट इंश्योर, लेकिन हम अपनी टेक्नोलॉजी वो मशीनरी का हम बीमा करवा सकते हैं, फैक्ट्री का बीमा करवा सकते हैं, व्हीकल्स है, ट्रक को का हम जो हमारे ट्रक है जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है हम उस ट्रक का इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या है जिसका हम इंश्योरेंस करा सकते हैं वो हमारे इंश्योरेबल रिस्क में आ जाती है. अदर थिंग्स फॉर विच वी कैन नॉट टेक द इंश्योरेंस कम्स अंडर द नॉन इंश्योरेबल रिस्क. सो बिजनेस रिस्क आर ऑलवेज इन्वॉल्व, अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड करता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. जब हमें लॉस क्लियर करने की चांसेस आ जाते हैं वो हमारा रिस्क हो जाता है. उसको हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है जैसे कि अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड कर सकता है, फ्यूचर की बात करते हैं तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है. जितना बड़ा हमारा बिजनेस होगा उतना बड़ा हमारा रिस्क होगा. ये हमारा रिवॉर्ड है, हमने प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट एंड करना है, इसलिए हमें रिस्क लेना है. कॉजेज भी है, नेचुरल कॉजेज है, आंधी तूफान बारिश भगवान की देन है, हम नहीं कर सकते. ह्यूमन नेगलिजेंस, डिसऑनेस्टी, डिसलायबिलिटी ह्यूमन कॉजेज में आते हैं. इकोनॉमिक कॉजेज गवर्नमेंट, फिजिकल कॉजेज चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, इंश्योरेबल रिस्क और नॉन रिस्क का बीमा करा सकते हैं, इंश्योरेबल है नहीं करा सकते नॉन इंश्योरेबल, राइट. हियर वी कम्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, एंजॉयड इट एंड got understood the first chapter of your business studies. It's my humble request again, go and go through the all the 5 series of part 1 to part 5 of nature and purpose of business. या किसी भी videos को आप देखते हैं हमारी तो उसके सारी sequence को part को divide में देखिए, चाहे वो commerce से related हो या social studies से related हो. अगर उसका part बनता है तो part 1st और part को जरूर देखिए, चाहे एक बार अलग अलग देख चुके हो, जब वो दोनों चीजें तीनों चीजें खत्म हो जाती हैं तो एक बार शुरू से फर्स्ट टू जितनी भी उसकी सीरीज बनी है पार्ट्स बने उसको ग्रोथ करिए. यू विल बी इजी टू गेट द लिंक ऑफ बिटविथ कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती गई हैं और आपको पूरा एक अच्छे से पूरा प्रिपेयर भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा, आपके दिमाग में वो चीजें रिकॉल भी हो जाएंगी, फाइन. सो thanks for watching. I hope you have understood and enjoyed it. We will be coming upcoming with more and more videos relating with the commerce, with few of the fascinating facts about commerce in our upcoming lectures. For thanks for watching and keep up growing with commerce. Thank you very much.